हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। कटहल की सब्जी तो आप सभी बहुत बनाते होंगे, लेकिन आज चलिए बनाते हैं हम लोग कटहल का अचार। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कटहल को मैंने छील लिया है और छील करके इस तरह छोटे छोटे पीस इनके कर लिए हैं। छीलने के वक्त आपको अपने हाथों में तेल लगाना है और आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसका, इस तरह हार्ड जो निकलता है ये वाला हमें निकाल देना है। इसका निकाल करके इस तरह आप छोटे छोटे पीस करेंगे तो अचार फिर सर्व करने में भी ठीक रहता है। तो चलिए, 1 किलो मैंने लिया है कटहल और ये मैंने लिया है कच्चा आम जिसको मैंने छिलका उतार लिया है और इस तरह पतली पतली आप देखते हैं पीसेस में काट लिया है। तो इन्हें हम इसमें डाल लेते हैं। और मैंने लिया है सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने डंडी के साथ ही लिया है, तो ये मैंने लिया है 8-10 पीस। इसे आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो ये भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक, 4 चम्मच में इसमें नमक ले रही हूँ। आम के जो पीसेस हमने डाले हैं वो हमने इसमें खटास लाने के लिए डाले हैं। और मैं डाल लेती हूँ इसमें 2 चम्मच हल्दी और इन सारी चीज़ों को एक बार हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके इसे हम ढक करके 2 दिनों के लिए हम इसे रख देंगे ढक करके। इसे हमें धूप में नहीं रखना है, छांव में ही रखना है। आप अपने किचन के किसी कोने में या फिर कहीं ऐसी सेफ जगह जहां पानी वगैरह का कोई टच ना हो इसमें, तो इस तरह ढक करके हमको रखना है। ढक कर रखने के बाद में इसको आपको 2-3 बार हिलाना है। 2 दिनों में आपको 2-3 बार इसे हिला देना है ताकि इसमें अच्छा से पानी छूट जाए। हमने नमक और हल्दी डाला है तो इसमें पानी छूटेगा और उसे हमें हिलाते रहना है। चलिए हम फिर मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने एक तवा चढ़ाया है। थोड़े से मसाले हम पहले रोस्ट कर लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने मेथी लिया है और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। एक बार इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है वरना इसकी खुशबू निकल जाएगी। बस थोड़ा सा इसे हमें भूनना है। मसाला हमारा हल्का सा भुन गया है, खुशबू थोड़ी आ रही है। तो अब हम अपने गैस को बंद कर देते हैं और इसमें मैं डाल लेती हूँ 7 से 8 लौंग। लौंग का कटहल के अचार फ्रेंड्स इतना अच्छा स्वाद आता है, एक बार आप जब भी बनाइए तो इसे ज़रूर डालिएगा। और अब मैंने अपने गैस को बंद कर दिया है और मैंने लिया है 1 कटोरी पीला सरसों और 1 कटोरी काला सरसों, दोनों ही मैंने सेम लिया है। और मैं इसमें डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच हींग और इन सभी को हम एक बार इसी तवे पे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इन्हें पीस लेते हैं। 2 दिन बाद मैंने इसे हल्दी नमक के पानी से निकाल लिया है और आधे घंटे के लिए मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था ताकि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है और धूप में नहीं सुखाना है। अब मैं इसको ले लेती हूँ अपने मिक्सिंग बाउल में और अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने मसाले को। तो मसाले में जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था वो मैं ले लेती हूँ। और फिर मैंने लिया है 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर आएगा। और तीखेपन के लिए ले लिया है मैंने रेगुलर लाल मिर्च और मैंने थोड़े से धनिया को आप देख सकते हैं हल्का सा रोस्ट करके हल्का सा भून करके और इस तरह खलबट्टे में क्रश कर लिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने ले लिया है 2 चम्मच काला नमक, क्योंकि नमक हमने डाला था तो नमक हल्दी का पानी थोड़ा सा
निकल गया है तो एक दो चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं सादा नमक। तो सादा नमक मैं ले रही हूँ इसमें 2 चम्मच, और एक बार हम इन सभी चीज़ों को हल्के से हिला लेते हैं। और ले लिया है मैंने अजवाइन और कलौंजी, तो आधा चम्मच कलौंजी क्योंकि थोड़ा ये कड़वा होता है, और 1 चम्मच अजवाइन। इससे हमारे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अचार में तो डलता ही है ये चीज़ें। और इन्हें डाल लेते हैं, और अब मैं डाल लेती हूँ इसमें तेल। इस अचार में तेल फ्रेंड ज़्यादा जाता है क्योंकि तेल में ही ये अचार पकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम इसे मिक्स कर रहे हैं सिर्फ, तो अभी हम थोड़ा ही तेल डालेंगे। ये मिर्च जो आप देख रहे हैं, देखिए हल्दी और नमक के पानी में ये फूल गया है, और अब ये तेल में बिल्कुल फूल करके सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब मैंने तेल मिक्स कर दिया है, और अब हम इस अचार को 8 दिन तक ढक करके इसी बर्तन में रखेंगे धूप में। धूप थोड़ा हमें लगाना है, धूप इतना सा आप इसको इस तरह खुला छोड़ करके और इस अचार को रखेंगे। 8 दिन बाद आप इसे बरनी में भर के यानी जार में भर करके और पूरे ऊपर तक लेवल में तेल करके, और फिर इस अचार को आप धूप में छोड़िए या फिर छांव में छोड़िए, फिर ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन इस अचार को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये कटहल है और इसे हमने उबाला नहीं है। तो इस तरह अगर आप कटहल का अचार बनाएंगे तो पूरे 1 साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।